कुछ सालों में देश में कई कार कंपनियां अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसमें निसान भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च कर रही है। 2020 में होने वाली ऑटो एक्सपो में इसकी झलक दिखाई देगी। निसान ने खुद इसका खुलासा किया था। एक इलेक्ट्रिक कार होने के साथ निसान लीफ की एक और खासियत है कि ये आपको घरों को भी रोशन कर देगी। इलेक्ट्रिक कार लीफ को बनाने वाली कंपनी निसान का दावा है कि उनकी एक कार चलता फिरता पावर हाउस है। इसमें 40 kWh बैटरी लगी हुई है जो किसी घर को भी ऊर्जा दे सकती है। कंपनी का दावा है कि बिजली जाने की समस्या या सौर ऊर्जा पर निर्भर घरों के लिए निसान किसी वरदान से कम नहीं होगी। निसान के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑपरेशंस देखने वालों ने बताया कि जब उत्तर पूर्व जापान में भूकंप आया तब पहली पीढ़ी की निसान लीफ को लॉन्च हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे और उस दौरान सुनामी ने भी जबरदस्त तबाही मचाई थी। इस दौरान भूकंप और सुनामी से 48 लाख घरों की बिजली गायब हो गई थी। तब तकरीबन 66 निसान लीफ कारों ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली मुहैया कराई थी। निसान लीफ में व्हीकल टू एवरीथिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसे V2XP कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स केवल ग्रिड से पावर ले सकते हैं बल्कि ग्रिड को पावर भेज भी सकते हैं। इसके अलावा घर, दुकानों, दफ्तरों और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी बिजली दे सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों से संपर्क करने के बाद और हीटिंग और बाकी अन्य उद्देश्यों के लिए बैकअप बैटरीज उपलब्ध कराने की सलाह भी निसान लीफ को दी गई है, जिसके बाद निसान खास व्हीकल टू एवरीथिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर जुट गई। V2X टेक्नोलॉजी के जरिए निसान लीफ प्लस की 62 kWh की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और जापानी घर को 4 दिनों तक पावर दे सकती है। इसके साथ ही ये 6200 स्मार्टफोन और 43 मंजिला इमारत वाले 100 से ज़्यादा एलिवेटर को पावर दे सकती है। निसान का ये भी दावा है कि प्राकृतिक आपदा के वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक फ़ायदा ये है कि पेट्रोल की आपूर्ति सामान्य होने पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से बहाल की जा सकती है। जापान प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2011 में जापान पावर ग्रिड को दोबारा से बहाल करने में 1 हफ्ते का समय लगा था और उस दौरान 50% गैस स्टेशन ही खुल पाए थे। निसान लीफ में 40 kWh लीफ प्लस में 62 kWh की बैटरी आती है जो सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। वहीं नॉर्मल चार्जिंग में 8 से 16 घंटे का वक्त लेती है जबकि फास्ट चार्जिंग से मात्र 40 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। वहीं सेकंड जनरेशन निसान लीफ की कीमत 35 लाख के आसपास बताई जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।